भारत सरकार न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं उल्लासनगर शहर के तरफ से जीआईएस मैपिंग जो उल्लासनगर की जनता के ऊपर लागू किया गया है। सब जगह जीआईएस मैपिंग के कंपनी के लोग जगह जगह जाकर वहां पर जीआईएस मैपिंग कर रहे हैं, वहां पर फोटो निकालकर लोगों को तंग करके परेशान कर रहे हैं। जब लोग उनसे पूछते हैं कि आपने क्या मेजरमेंट हमारी बनाई है तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। कोई व्यक्ति अगर पूछता है कि आपने हमारी एरिया पहले कितनी दी और अभी आप उसमें कितनी ऐड करते हो, वह कहता है हमारे अधिकारी से बात करो। तो ऐसी सारी शहर की कंप्लेंट्स हमारे थाने सरकार न्यूज में फोन पर आ रही थी। हमने भी इस बात की पूरी तरह से जानकारी लेने के लिए हमने उल्लासनगर महानगर पालिका के युवराज बदाने जो टैक्स डिपार्टमेंट के मुख्य अधिकारी है, हमने उनसे बात करना बेहतर समझा। आपको हम आज बताएंगे कि युवराज बदाने से हमने एक खास मुलाकात की और काफी सारी बातों का नया खुलासा हुआ। आप देखिए जीआईएस मैपिंग के किस तरह नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आज हम जब युवराज बदाने के पास पहुंचे, उनसे बात की, हमने एक एक करके कई सवाल युवराज बदाने से किया। क्या युवराज बदाने ने हमें इस बात का जवाब दिया, क्या कहते हैं, जरा शहर की जनता इस बात को जरा गौर से देखिए, उस बातों में कितनी सच्चाई है और उस टेंडर के अंदर कितनी गड़बड़ी अगर आप देखेंगे तो आपको मिल सकती है। आप जरूर ध्यान दें किस तरह सत्ता पक्ष के कुछ लोग जो ठेकेदार बनकर महानगर पालिका के अधिकारियों को अपने इशारों पर चला रहे हैं। तो हमने सबसे पहले युवराज बदाने से पूछा, सर जी हमें यह बताइए कि जीआईएस मैपिंग में जो कोरबोरो कंपनी ने जिन्हें सर्वे के करने के लिए केवल अभी 3 महीने ही हो चुके हैं, तो उस कंपनी ने महानगर पालिका के पास अपने पेमेंट के कितने बिल भेजे हैं, कितनी पेमेंट वो मांग कर रहे हैं, कितनी की डिमांड कर रहे हैं और आप लोगों ने कितनी पेमेंट उनकी पास करने के लिए उन्हें पत्र दिया है या पेमेंट दी है या देने वाले हैं। तो युवराज बदाने क्या कहते हैं, जरा गौर से सुनिए। आपने जो सवाल किया, सबसे पहली बात तो है कोलरो ब्रदर्स लिमिटेड इस कंपनी को जीआईएस मैपिंग और जीआईएस सर्वेक्षण्स और डाटा एंट्री और ये भी सर्वे का जो भी काम किया दिया गया है एज पर सर्वे की तरफ से, उसमें से उन्होंने जो जो काम किए उसके बारे में हमारे पास बिल सबमिट किया है। उस बिल सबमिट करने के बाद उनके ऊपर तत्कालीन आयुक्त महोदय जी पास सबमिट किया था, उनमें से उन्होंने काफ़ी 5 करोड़ तक नियर अबाउट डिमांड की थी। हम लोगों ने वो उसका 5 करोड़ का डिमांड अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। उसके लिए प्रति क्रॉस वेरिफिकेशन चल रहा है हमारे इंस्पेक्टर्स के द्वारा, हमारे कर्मचारी द्वारा। तो उनके बिल के ऊपर बोले कुछ उन्होंने 200-250 लोग मतलब नियर अबाउट, जब मैंने उनके साथ मीटिंग रखी थी, मुलाकात रखी थी, तभी 224 लोग कर्मचारी उन्होंने अपॉइंट्स किए थे पहले, 1-1.5 महीने पहली बात है। तो ये सब बातों के लिए उन्होंने डिमांड की है। तो हमने हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो सबमिशन लिखा था उनमें से 25% या 50% उसको बिल दिया जाए करके ऐसा सबमिशन लिखा था, लेकिन अभी तक बिल उनको 1 रुपया भी यहाँ से कॉर्पोरेशन से दिया नहीं गया है। उन्होंने डिमांड की है, उसके ऊपर कार्यवाही चल रही है। उसके बाद हमने युवराज बदाने से दूसरा सवाल किया। हमने उनसे पूछा, जब हमारे महानगर पालिका के आयुक्त अच्युत हांगे थे, उस वक्त हमारे महानगर पालिका के एक महासभा में शिवसेना पार्टी के विरोधी पक्ष नेता बुराडे साहब ने कहा था कि आयुक्त साहब आप हमें ये बताइए कि आपने हमें टेंडर देने के बाद ये वादा किया था कि ये कंपनी को जब हम पेमेंट देंगे तो जब तक इस कंपनी से हमें महानगर पालिका को 100-200 करोड़ रिकवरी नहीं आती है तब तक हम इस कंपनी को पेमेंट नहीं करेंगे। तो अच्युत हांगे ने महासभा में चिल्लाते हुए बुराडे साहब से कहा था यह सही है और मैं इस पर कायम हूं। वही सवाल हमने युवराज बदाने से पूछा कि सर हमें उन्हें पेमेंट देनी नहीं है जब तक उनकी पूरी तरह से वेरीफाई नहीं होती है, उन्होंने काम किस ढंग से किया है और हमारे महानगर पालिका को कितनी वो प्रॉपर्टियों में ऐड करके हमें पैसे की बढ़ोतरी करके दे रहा है। तो क्या कहते हैं युवराज बदाने, ये भी जरा आप, कंडीशन वगैरह नहीं है टेंडर्स की, कंडीशन सबके सामने खुलेआम पड़ी है, कोई भी मांग सकता है, लेके जा सकते हैं उसकी कॉपी, वैसे कोई कंडीशन नहीं है। पेमेंट्स देने की कैसे कैसे तरीके से पेमेंट दिया जाए, उल्टा उसका कंडीशन उसमें मेंशन किया गया है।
ये महासभा में विषय था। उस टाइम में महासभा में पत्रकार गैलरी में बैठा था, बोडाडे साहब ने सबके सामने कहा और अच्युत थांगे ने कहा मैं इस बात पर कायम रहूंगा, ये मेरे पास उनका विजुअल भी है, वीडियो भी है। देखिए मुचंदानी जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसके ऊपर चलते हैं। जो माननीय स्थायी समिति ने रिजोल्यूशन बनाया, रिजोल्यूशन पास किया, उस हिसाब से उनको वर्क ऑर्डर दिया, एग्रीमेंट बना, करारनामा बना कंपनी और हमारे प्रशासन के बीच में, और उसके अंदर टर्म्स कंडीशन जो तय हुए, जो दैट टाइम ऑफिसर थे उन्होंने जो तय किए, उसी तरीके से उसी हिसाब से काम चल रहा है। हमने युवराज बदाने से पूछा कि अब तक जीआईएस मैपिंग यानी कि कोलब्रो कंपनी ने अब तक उल्लासनगर में कितनी पिरावटी की सर्वे की है, तो उन्होंने मुझे बताया कि कोलब्रो कंपनी अब तक उल्लासनगर शहर में समथिंग 1,05,000 प्रॉपर्टी की सर्वे कर चुकी है। मैं हैरान हो गया, 3 महीने के अंदर कोलब्रो कंपनी ने 1,05,000 की प्रॉपर्टी सर्वे कर ली और आज वह कंपनी उल्लासनगर महानगर पालिका से 5 करोड़ की डिमांड कर रही है। किस तरह अंधेर नगरी शाही हुई है, किस तरह खुलेआम लूटा जा रहा है, क्योंकि कोलब्रो कंपनी के पीछे, कोलब्रो कंपनी के साथ उल्लासनगर महानगर पालिका का एक बड़ा नेता, उल्लासनगर महानगर पालिका के एक सत्ता पक्ष पार्टी का नेता उनके साथ इन्वॉल्व है। वह अपने इशारों पर अधिकारियों से ये कहलवाता है, उन्हें पेमेंट दिलवाता है। तो आइए इस विषय में युवराज बदाने क्या कहते हैं जरा गौर से। अभी आप अचानक मेरे पास आए तो भी एज पर माई नॉलेज जो मुझे मालूम है, जो 8-10 दिन पहले की बात है, 1,05,000 प्रॉपर्टीज का उन्होंने नंबरिंग किया है, 55,000 प्रॉपर्टीज के जो उन्होंने डाटा एंट्री की है, और 73,000 प्रॉपर्टीज का उन्होंने फॉर्म फिलअप करके लिया है। उनमें से हमारे पास 2 लॉट में 25,000 फॉर्म्स उन्होंने भेजे थे, उनमें से हमारे कर्मचारी उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन रैंडमली कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा खुलासा हुआ, ये खुलासा सुनकर आप चौंक जाएंगे, आपको चक्कर आ जाएंगे, ये सबसे बड़ा खुलासा है और चौंकाने वाला खुलासा है, आप जरूर सुनिए क्या है इसके पीछे तात्पर्य। मैंने युवराज बदाने से पूछा, बदाने साहब हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका में कितने घरों को टैक्स जाती है, हमारे उल्लासनगर के कितने टैक्स पेयर जो घरों की और दुकानों की बिल्डिंगों की टैक्स भरते हैं वो कितने टोटल लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि 1,77,517 प्रॉपर्टी हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका में, जो महानगर पालिका को टैक्स देती है उनकी प्रॉपर्टी हमारे पास इतनी लोगों की मेंशन है। तो आप सुनकर चौंक जाएंगे जब मैंने युवराज बदाने से पूछा ये क्या मामला है। जब 2018 में दादा पाटिल महानगर पालिका के टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, तब जीएस मैपिंग के लिए टेंडर देने के लिए घोषवारे बने थे, उस घोषवारे में 2,20,000 प्रॉपर्टी दिखाई गई थी, कहां गई ये बाकी की प्रॉपर्टियां। उसके बाद नए घोषवारे बने, उस नए घोषवारे में उन्होंने 2,00,000 प्रॉपर्टियां बताई है। हाँ, महानगर पालिका ने अपने हाथों से उसमें लिखा है कि 2,00,000 प्रॉपर्टियों से ऊपर प्रॉपर्टी हमारी महानगर को है और हमारी महानगर पालिका उनकी एरिया असेसमेंट जीएस मैपिंग द्वारा करानी चाहती है, उसमें टेंडर, उसमें कंडीशन, उसमें घोषवारे पर 2,00,000 प्रॉपर्टी से ज्यादा लिखा हुआ है। मैंने युवराज बदाने से यही पूछा कि अगर 2,00,000 प्रॉपर्टी लिखी हुई है तो आप अपने माध्यम से 1,77,517 जो प्रॉपर्टी बताई जा रही है आपके तरफ से, तो 23,000 प्रॉपर्टी कहां चली गई, उल्लासनगर में कौन सा भूकंप आया जो हमारी 23,000 प्रॉपर्टी जमीन के अंदर चल गई। काफी सारी बातें हैं, इसमें बड़ा टेक्निकल विषय है, जो प्रॉपर्टी अब तक महानगर पालिका के रिकॉर्ड पर चढ़ी नहीं है उस प्रॉपर्टी को कैसे चढ़ाया जाए, उसका पैसा किस तरह लिया जाए, किस तरह ठेकेदार को फायदा दिया जाए। आइए बात करते हैं युवराज बदाने से इस विषय में, युवराज बदाने क्या कहते हैं, और शहर की जनता सावधान हो जाइए, भेड़िए लोग घूम रहे हैं खुलेआम उल्लासनगर महानगर पालिका में शहर की जनता को लूटने के लिए, अगर आप सावधान नहीं होंगे तो आपके नीचे से, तकिए से नीचे से वह लोग अपने पेमेंट करोड़ रुपया लेकर जाएंगे और आप तो भनक तक नहीं लगेगी। हमारे उल्लासनगर में सर टोटल उल्लासनगर शहर में कितनी प्रॉपर्टियां महानगर पालिका के रिकॉर्ड पर है? 1,77,532 मगर टेंडर में 2,20,000 पहले के घोषवारे में दिखाए गए, उसके बाद दूसरे घोषवारे में 2,00,000 प्रॉपर्टियां दिखाई गई है, और अभी आप 1,77,000 समथिंग बता रहे हैं। 77,517
गोशवारे में 2 लाख है। गोशवारा तो मैंने देखा नहीं। दादा पाटिल के गोशवारे में 2,20,000 प्रॉपर्टी बताई गई है। दादा पाटिल अभी रिटायर होके सिचुएशन है उस पर बात कीजिए। दादा पाटिल को रिटायर होके कम से कम 14-15 महीना हो गए। कोलबड़ो कंपनी को जब टेंडर दिया था उसकी एग्रीमेंट में उनके गोशवारे में 2 लाख प्रॉपर्टियां दिखाई गई है मेरे पास। एग्रीमेंट अभी दादा पाटिल की नहीं बात, सुनिए मेरी बात। 31 मई 2018 को दादा पाटिल रिटायर हो गए। अभी जो है गोशवारे पे साइन करने का दादा पाटिल का कोई संबंध नहीं है। सर मैं गरी बोलता हूँ, दादा पाटिल के बाद की बात करता हूँ। जो आपने टेंडर दिया, जो आपने एग्रीमेंट बनाई, अभी की प्रेजेंट की बात करता हूँ। जब कोलबड़ो कंपनी को टेंडर इशू किया गया था, कोलबड़ो कंपनी ने जो एग्रीमेंट आपसे टाइप की थी उस एग्रीमेंट पे 2 लाख प्रॉपर्टी मेंशन की गई है, उनका दिया गया है। ये मेरे पास ऑन डॉक्यूमेंट मेरे पास प्रूफ है। तो आप 1,77,000 बोल रहे, दादा पाटिल के टाइम 2,20 था वो हो गया, उसके बाद आपने जब टेंडर दिया तो 2 लाख था, अब 1,77,000 कैसे हो गया? एक्चुअल हमारे रिकॉर्ड पे आज की डेट में 1,77,517 प्रॉपर्टी है। तो मतलब ये कंफर्म है जब आपने इनको टेंडर दिया था 2 लाख प्रॉपर्टी पर। टेंडर में क्या लिखा है अभी, मैं अभी आप एग्जैक्ट फिगर में अभी मेरे सामने फाइल लेके आप अचानक आए, मैं अचानक अभी आपको देखना है तो 10 मिनट और रुकिए, 10 मिनट में मैं टेंडर देख के आपको बताता हूँ टेंडर का, उसमें कॉपी देखिए। अगर उसमें 2 लाख प्रॉपर्टी बताई जाए वो ऐसा बात नहीं, मैं पहले डॉक्यूमेंट देखूंगा, ऐसी अंधेरे में निशाना मारना मेरा आदत नहीं है। जो सच्चाई है उस पर मैं बात करूंगा। ओके।